आप देख रहे हैं लाइव आज, हर खबर आप तक। नजीबाबाद कोटवार रोड पर तेज गति से दौड़ रहे डंपर को खनन अधिकारी रंजना ने कई खामियां पाने पर डंपर को सीज किया। खनन अधिकारी रंजना ने जानकारी देते हुए बताया कि जो सरकार ने कोटवार खनन का कुछ हिस्सा कुछ समय के लिए खुला है, लेकिन डंपर स्वामी डंपर में ओवरलोड भरकर तेज गति से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। खनन अधिकारी रंजना ने कहा कि ऐसे वाहनों को जिनके रबन्ने में वजन कम मात्रा में लिखा हुआ है, लेकिन डंपर स्वामी से रबन्ने अधिक वजन भरकर और तेज गति से सड़कों पर दौड़ रहे ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते कुछ दिन पहले तेज गति से दौड़ रहे डंपर ने एक युवक की जान भी ले ली थी और एक किशोरी भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। खनन अधिकारी रंजना ने तेज गति से दौड़ रहे खनन से भरे वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आज न्यूज चैनल के लिए यूपी के बिजनौर नजीबाबाद से मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। हमारे जिला बिजनौर में जो खनन की आपूर्ति है वो अपने उत्तराखंड से की जाती है, तो वहाँ पर खनन का पट्टे खोले गए हैं, सरकारी पट्टे खुले हैं, वहीं से हमारे ज़िले में आपूर्ति हो रही है। लेकिन काफ़ी समय से शिकायतें मिल रही हैं कि गाड़ियाँ जो हैं ओवरलोड आ रही हैं या तेज़ स्पीड में चल रही हैं, तो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए आज हमने जाँच करना शुरू किया। तो प्रथम दृष्टया में ये गाड़ी जो है एक पकड़ी गई है जो जिसका रवन्ना जो है वो कम क्षमता का है और इसमें मटेरियल उसकी क्षमता से ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको पकड़ के सीज कर दिया है और इसमें भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। अच्छा मैडम, जो और जो गाड़ी हैं वो भी ओवरलोड की शिकायत आ रही है बार बार, हम बिल्कुल उसके बारे में क्या संज्ञान लेंगे मैडम? शिकायतें आती हैं और हम जाँच भी करते हैं, उसी जाँच का ही हिस्सा है कि गाड़ी पकड़ी गई। अभी हम पुलिस दोबारा भी जाँच में जा रहे हैं और अलग अलग अधिकारी अपने अपने हिसाब से समय समय पर जाँच करते रहते हैं, तो खनन को अंडर लोड लाया जाए, तरीके से लाया जाए, अवैध ना हो पाए, इसकी पूरी कोशिश की।